गुड इवनिंग क्लास, वेलकम बैक टू इंजीनियर क्लासेस। आज हमारा लेक्चर थर्ड है ट्रैफिक इंजीनियरिंग का। उससे पहले एक बार हमारा जो लेक्चर टू में क्वेश्चन दिया था वो डिस्कस कर लेते हैं। आई होप आपने वो क्वेश्चन किया हो। यस, आपको वी एस एंड वी टी कैलकुलेट करना था। एंड वी एस एंड वी टी मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि वी एस क्या है और वी टी क्या है। फ्रीक्वेंसीज थी इसमें दी हुई, हमें इस चीज़ पे काम करना था। ये चीज़ क्या है फ्रीक्वेंसीज, मैंने आपको बताया था। फ्रीक्वेंसीज मतलब नंबर ऑफ व्हीकल्स। तो अगर हमें वी एस कैलकुलेट करना है तो होता क्या, स्पेस मीन स्पीड। तो अगर हमें वी एस कैलकुलेट करना है तो हमारा वी एस का फॉर्मूला क्या है, एन वन बाय वी वन प्लस वन बाय वी टू एंड सो ऑन। यहाँ पर ये एन क्या चीज़ थी, एन यहाँ पर था नंबर ऑफ व्हीकल्स। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन में क्या दिया है, 30 की स्पीड में चलने वाले 5 व्हीकल, 40 की स्पीड में 5, 50 की 5, 60 के 5। तो टोटल नंबर ऑफ व्हीकल्स कितने हो गए, टोटल नंबर ऑफ व्हीकल्स हो गए हमारे पास 20। तो अगर हम यहाँ से वी एस कैलकुलेट करें तो वी एस किसके बराबर होगा, 20 डिवाइडेड बाय 1 बाय 30 प्लस 1 बाय 40 प्लस 1 बाय 50 प्लस 1 बाय 60। ये चीज़ हम यहाँ से कैलकुलेट करेंगे। अगर हम इसको सॉल्व करके देखें एक बार तो आई थिंक इसका आंसर अप्रॉक्सीमेटली 42.1 आता है। आप चेक कर लेना, आई थिंक यही आंसर है इसका, किलोमीटर पर आवर। सिमिलरली इसमें मैंने आपको एक और पार्ट बोला था, दैट इज वी टी। जब इसको हम, ये वी एस आ गया, वी टी। अब वी टी कैसे निकालेंगे, वी टी होता है सभी व्हीकल्स का सम करना डिवाइड बाय नंबर ऑफ व्हीकल्स। अब 30 की स्पीड से चलने वाले कितने व्हीकल्स हैं, 5 प्लस 40 इंटू 5 सेम 50 इंटू 5 प्लस 60 इंटू 5 ये आ गया, डिवाइड बाय नंबर ऑफ व्हीकल्स। अब नंबर ऑफ व्हीकल्स कितने हैं, 20। इसको सॉल्व करेंगे आई थिंक हमारा आंसर आता है 45 किलो न्यूटन, सॉरी किलोमीटर पर आवर। तो आप एक बार देख लेना इस क्वेश्चन को। तो ये चीज थी वी एस एंड वी टी कैलकुलेट करने के लिए बोला था। अगर आपका यही आंसर है तो इसका मतलब आपने सही किया था। तो आप मूव करते हैं अपना आज के टॉपिक की तरफ। आज हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज, दैट इज ट्रैफिक कैपेसिटी स्टडीज। ट्रैफिक कैपेसिटी स्टडी, बेसिकली आपने ऑलरेडी ये चीज पढ़ी है लेकिन थोड़ा सा इसमें चीजें ऐड होंगी। जैसे जो पहली टर्म हम डिस्कस करेंगे आज वो ऑलरेडी हमने डिस्कस कर ली है, दैट इज ट्रैफिक वॉल्यूम। आपको पता है ट्रैफिक वॉल्यूम, मैंने आपको बता दिया कितने व्हीकल्स पास करेंगे एक पर्टिकुलर सेक्शन से इन गिवन टाइम। तो ये तो आपको पता है, इसका होता क्या, व्हीकल्स पर, कितने व्हीकल्स पास करेंगे एक सेक्शन से पर। लेकिन एक चीज जो आपने ऐड करनी है आज, कि इसको हम आप डिनोट किससे करेंगे। आपके पास तीन टर्म्स हमने डिस्कस करनी है, एक आएगी क्यू, एक आएगा के और एक आएगा वी, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखेंगे। नंबर टू, जो हम डिस्कस करेंगे अभी, दैट इज ट्रैफिक ट्रैफिक डेंसिटी। समझते हैं ट्रैफिक डेंसिटी क्या, कितने नंबर ऑफ व्हीकल्स अवेलेबल हैं या कितने नंबर ऑफ व्हीकल्स हैं 1 किलोमीटर स्ट्रेच के अंदर, वो हमारा ट्रैफिक डेंसिटी बताएगा। वॉल्यूम हमें क्या बताता था, कि एक आर में एक पर्टिकुलर सेक्शन से कितने व्हीकल्स गए, पर ट्रैफिक डेंसिटी हमें क्या बताएगा कि 1 किलोमीटर स्ट्रेच में नंबर ऑफ व्हीकल्स कितने हैं। तो इसको थोड़ा लिखते हैं, डिफाइन करते हैं, इट इज नंबर ऑफ व्हीकल्स ऑक्यूपाइंग A unit length of road,
यूनिट लेंथ ऑफ, पहले लिखते हैं लेन, ऑफ रोड एट अ गिवन इंस्टेंट, यूजली इट इज एक्सप्रेस्ड एज व्हीकल्स पर किलोमीटर। आप इसको सिंपली समझना ऐसे, एक किलोमीटर स्ट्रेच में कितने नंबर ऑफ व्हीकल्स है, तो नंबर ऑफ व्हीकल्स पर किलोमीटर वो हमारे को ट्रैफिक डेंसिटी देगा। इस चीज को यूज करने के लिए अब थोड़े से एग्जांपल की तरह देखें, अगर ये मैं एक रोड स्ट्रेच बनाऊं, सपोज ये एक व्हीकल आ गया हमारा, ठीक है, एंड यहां से लेके यहां तक एक 1 किलोमीटर स्ट्रेच है, हमें बोला जाएगा बताओ नंबर ऑफ व्हीकल्स कितने हैं। अगर आपको किस तरीके से ये पता चल जाए कि व्हीकल्स के बीच में गैप कितने हैं, ऑब्वियसली व्हीकल्स के बीच में गैप सेम नहीं होगा, अलग अलग होगा, एवरेज हम लेंगे, वो भी पढ़ेंगे हम एटॉमिक स्पीड हेडवे बोलते हैं जैसे, स्पेस हेडवे सॉरी, वो बोल निकालेंगे। तो अगर हम ये चीज कैलकुलेट कर लें तो हमें नंबर ऑफ व्हीकल्स मिल सकते हैं कितने, तो इस चीज पे हमने काम करना है। अभी के लिए बस ये समझाने का तरीका था कि ट्रैफिक डेंसिटी बेसिकली क्या है, कितने नंबर ऑफ व्हीकल्स हैं 1 किलोमीटर स्ट्रेच के अंदर, तो ये आ गया हमारा ट्रैफिक डेंसिटी। नेक्स्ट हम बात करते हैं हम इसके आगे ट्रैफिक फ्लो करेक्टरिस्टिक्स, जिसमें हम ये टर्म्स यूज करेंगे, ट्रैफिक फ्लो करेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, अब एक टर्म हमने पढ़ी ट्रैफिक, आज अभी जो पढ़ा दैट इज ट्रैफिक डेंसिटी, एक हमने पढ़ा ट्रैफिक वॉल्यूम, और एक और टर्म हमारे पास आएगी दैट इज जो वेलोसिटी होती है या स्पीड बोलो, ये देखो ट्रैफिक डेंसिटी का मैंने आपको यूनिट बताया व्हीकल्स पर किलोमीटर, ट्रैफिक वॉल्यूम का हमने यूनिट बोला व्हीकल्स पर आर, और वेलोसिटी का हमने यूनिट बोला किलोमीटर पर। ठीक है, इन तीनों टर्म्स के बीच में एक रिलेशन है जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है, दैट इज मैक्रोस्कोपिक रिलेशन बिटवीन ट्रैफिक डेंसिटी, ट्रैफिक वॉल्यूम एंड वेलोसिटी। अब ये जो टर्म्स हम पढ़ने जा रहे हैं इनको पहले हम बता देते हैं कि इसको लिखेंगे कैसे, थ्रू आउट आपको ये इस तरीके से इसको लिखना है। ट्रैफिक डेंसिटी को हमेशा हम बोलेंगे के से, ट्रैफिक वॉल्यूम को डिनोट किया जाएगा स्मॉल क्यू से, और वेलोसिटी तो हम वी से ही करेंगे। तो काफी बार एग्जाम में सीधे पूछ लेते हैं कि के क्यू एंड वी के बीच में रिलेशन क्या है, ठीक है, तो अलग अलग थ्योरीज आई, तीन थ्योरीज हम डिस्कस करेंगे। पहली थ्योरी जो मेन थ्योरी है वो आपको जे एग्जाम में भी मिल जाएगा क्वेश्चन, लेकिन हम तीनों थ्योरीज डिस्कस करेंगे, तीनों के बारे में आपको आइडिया होना चाहिए कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, और इस पर डेफिनेटली आपको क्वेश्चन हर बुक में मिलते हैं। तो सबसे पहली थ्योरी जो थी वो डिस्कस करेंगे, इसे बोलते हैं ग्रीन शील्ड मॉडल, ठीक है। उस थ्योरी को स्टार्ट करने से पहले अगर आप इन तीनों टर्म्स को देखो, के क्यू एंड वी, इनके बीच में जो रिलेशन डेवलप करना है मैं यहां लिख रहा हूं, देखो हमेशा जब भी रिलेशन डेवलप करना है यूनिट्स को देखो, यहां व्हीकल पर किलोमीटर, व्हीकल पर आर, किलोमीटर पर आर। तो अगर मैं इस तरह से देखूं, व्हीकल पर आर इज इक्वल टू व्हीकल पर किलोमीटर, इसको मल्टीप्लाई कर दें किलोमीटर पर आर वाली टर्म से, और अगर आप यहां देखें
किलोमीटर और ये किलोमीटर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये पीछे क्या मिल गया, व्हीकल पर आर, मतलब हम बोल सकते हैं ट्रैफिक वॉल्यूम, मतलब क्यू इज इक्वल टू ट्रैफिक डेंसिटी के इंटू वेलोसिटी। तो एक ये रिलेशन हमारे पास आता है, क्यू इज इक्वल टू के इंटू वी, क्लियर, क्यू इज इक्वल टू के इंटू वी, वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन, इसको हमने आगे अभी यूज करना है। अब मैं बात करता हूँ इस पहली थ्योरी के ऊपर, ग्रीन शील्ड मॉडल के ऊपर। इस थ्योरी में बोला गया कि इन तीनों टर्म्स के बीच, बेसिकली इनके बीच में दो टर्म्स हैं, क्यू एंड के बीच में लीनियर रिलेशनशिप है, ठीक है। तो लिखते हैं इसके बारे में, लीनियर रिलेशन इज अज्यूम्ड बिटवीन ट्रैफिक डेंसिटी ट्रैफिक स्पीड। समझना इस चीज को, एग्जाम में एक बार क्वेश्चन आया था एंड उसमें लिखा था कि ग्रीन शील्ड मॉडल किस कंसेप्ट पे काम करता है, किस एजम्पशन पे काम करता है, आंसर विल बी लीनियर रिलेशनशिप। वो कहते हैं कि आपको इसको मार्क कर लेना अपने नोट्स में, कि इनके बीच में एक लीनियर रिलेशनशिप माना जाएगा। मतलब इस तरह से देखना है, ग्राफिकली आपको बता रहा हूं, यहां पर वाई एक्सिस पे मैं एज्यूम करता हूं वेलोसिटी एंड एक्स एक्सिस पे एज्यूम करते हैं हम के फॉर क्या, के है हमारे पास डेंसिटी। और लीनियर रिलेशन अगर एज्यूम कर रहे हैं देन इस तरह से हमारे पास एक ग्राफ आएगा लीनियरली, जो हमारे पास एंड पॉइंट्स हैं दोनों के, उनको मार्क कर लेते हैं। इसे लिखेंगे के जे, सबस्क्रिप्ट में जे, एंड इसे लिखेंगे वी एस। अब इन दोनों टर्म्स का मतलब समझना, लीनियरली अभी रिलेशन बनाएंगे, पहले समझना जिस टाइम पर मैक्सिमम डेंसिटी होगी रोड पे उस टाइम पर वेलोसिटी कितनी दिखा रहे है, कर्व जीरो। अगर इस कर्व को नोटिस करो, अगर इस जगह पर के जहां पर डेंसिटी हमारी यहां पर इस कंपैरिजन में यहां पर यहां पर यहां पर सबसे ज्यादा है, तो जिस जगह पर सबसे ज्यादा डेंसिटी है उस जगह पर वेलोसिटी जीरो है। तो वो कब होगा, जब वेलोसिटी जीरो कब होगी, जब रोड पे कोई भी गाड़ी चलेगी नहीं लेकिन मैक्सिमम गाड़ियां रोड पर हैं, मतलब कोई जैम कंडीशन हो गया, तो वेन यहाँ पर एक कंडीशन हमें मिलेगी दैट वेलोसिटी जब जीरो होगा तो डेंसिटी उस टाइम पे कितनी आ रही है, के जे टर्म दिया गया, के सबस्क्रिप्ट में जे। तो एक रिलेशन देखते हैं यहाँ पर, वी इज इक्वल्स टू, एक लीनियर रिलेशन लिख रहा हूँ, ए प्लस बी इंटू के, ठीक है। ए एंड बी क्या है, कुछ कॉन्स्टेंट्स हैं, ए और बी कॉन्स्टेंट्स हैं, एक लीनियर इक्वेशन लिख दी मैंने, v इज इक्वल टू ए प्लस बी के, ठीक है। फिर से लिखता हूँ यहाँ पर, v इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू के, क्लियर। अब उस कर्व को नोटिस करें, एट k इक्वल्स टू के जे, जब k की वैल्यू के जे है, वेलोसिटी की वैल्यू कितनी है, जीरो। यहाँ इस एक्सिस पे वेलोसिटी क्या होगी, जीरो। तो इस कंडीशन को हम लिखते हैं, एट के इक्वल्स टू के जे वी इक्वल्स टू क्या था, जीरो था। तो वी जीरो पुट किया, ए प्लस के साथ लिख दिया, सॉरी यहां पर ए बी इंटू के जे, तो यहां से मेरे पास के जे की वैल्यू आ गई, दैट इज माइनस ए बाय, माइनस ए बाय, क्लियर। और बी इज इक्वल्स टू बोल सकते हैं माइनस ए अपॉन के जे, एक ही चीज है। नेक्स्ट देखते हैं और क्या कंडीशन मिल सकती है हमें यहां पर, जब वी इज इक्वल टू वी एस एफ होगा, मतलब मैक्सिमम वेलोसिटी होगी उस टाइम, के इज इक्वल टू क्या होगा, जीरो।
दूसरी कंडीशन भी मैं यहीं पे लिख रहा हूं, एट वी इक्वल्स टू वी एस एफ, के की वैल्यू क्या होगी? जीरो होगी। जब वी वी एस एफ के बराबर है, के एक जीरो के बराबर है, मतलब मैक्सिमम स्पीड गाड़ी चल सकती है। तो उस टाइम में रोड इसमें बताया जा रहा है ग्राफिकली हमें क्या दिख रहा है कि रोड पे डेंसिटी होगी नहीं, मतलब एकदम खाली रोड, उसका केस लेके चल रहे हैं। तो अगर दूसरी कंडीशन लूं मैं यहां पर, एट वी इक्वल्स टू वी एस एफ, के की वैल्यू क्या आ रही है? जीरो। तो वही इक्वेशन में अगर फिर से पुट करें, वी की जगह लिखें वी एस एफ ए प्लस बी, के की जगह क्या लिखेंगे? जीरो। इस इक्वेशन में लिख रहे हैं इक्वेशन नंबर वन। तो यहां से मेरे पास ए की वैल्यू क्या आ गई? ए की वैल्यू आ गई मेरे पास वी एस एफ, ए इज इक्वल टू वी एस एफ। इस इक्वेशन को नंबर देता हूं नंबर टू, इसको नंबर देता हूं, इसको नंबर थर्ड लिखते हैं, इसको नंबर टू लिखते हैं। फिर अब या इसको लिख लेते हैं, काम करते हैं, क्योंकि हमारे पास बी की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है, हमें कॉन्स्टेंट्स निकालने होते हैं, इसको नंबर टू लिख लेते हैं। क्लियर? तो मेरे पास कॉन्स्टेंट ए की वैल्यू भी आ गई एंड मेरे पास बी की वैल्यू भी आ गई। जब ये दोनों वैल्यूज मेरे पास आ गई ए एंड बी, अब यहां पुट करते हैं और देखते हैं वी का क्या रिलेशन बनते हैं। वी इज इक्वल्स टू ए की जगह लिखेंगे वी एस एफ, क्योंकि मैंने यहां से अभी निकाला, प्लस बी की जगह क्या लिख सकते हैं? ब्रैकेट में माइनस ए अपॉन के जे। ये कहां से लिया मैंने? इस इक्वेशन से, इनटू वी इज इक्वल्स टू वी एस एफ माइनस ए अपॉन के जे इनटू के। अब इस ए की जगह भी मैं क्या पुट कर सकता हूँ? वी एस एफ पुट कर सकता हूँ। तो मैं यहां लिखता हूँ वी इज इक्वल्स टू वी एस एफ माइनस ए की जगह लिखूंगा वी एस एफ और के वाले टर्म को अलग देता हूँ, के अपॉन के जे। दोनों टर्म्स के अंदर वी एस एफ कॉमन है, तो वी इज इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं? वी एस एफ ब्रैकेट वन माइनस के अपॉन के जे। तो मेरे पास एक इक्वेशन सी आ गई, एक इक्वेशन आ गई, जनरल इक्वेशन आ गई वेलोसिटी निकालने की। इसके अंदर ये वी एस एफ क्या है? मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ द रोड जो चलेगा जिसपे। के क्या है? कोई भी डेंसिटी हो सकती है। और के जे क्या है? मैक्सिमम जो जैम, हमारी जो मैक्सिमम ट्रैफिक डेंसिटी हो सकती है। इसी इक्वेशन में वो ये लिख देते हैं। ठीक है, एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ ये चीज, एक बार आप देख लो। हमने क्या किया? हमने ट्रैफिक फ्लो करेक्टरिस्टिक्स उठाया और वहां पर तीन टर्म्स डिस्कस की। वॉल्यूम के बारे में मैं पहले बता चुका हूँ, एक नई टर्म हमने डेंसिटी पढ़ी, एक किलोमीटर स्ट्रेच में कितनी व्हीकल जा सकते हैं, दैट इज व्हीकल पर किलोमीटर। फिर इन तीनों के बीच में एक रिलेशन डेवलप किया, यहाँ पर लिखा है वो Q इज इक्वल टू के इन टू वी। फिर तीन थ्योरीज आई थी, पहली आई ग्रीन शील्ड मॉडल। ये कंसेप्ट जो है वो किस अजम्पशन पर बेस्ड है? लीनियर अजम्पशन पर। इसमें हमने एक लीनियर रिलेशन वेलोसिटी का बनाया K के साथ और वहां से हमने कर्व बनाया और ये जो कॉन्स्टेंट्स मैंने यूज किए थे उनकी वैल्यूज फाइंड आउट की। जब वो वैल्यूज फाइंड आउट की, वहां से मैंने ये बी एंड ए निकाल के इस इक्वेशन में पुट किया। v इज इक्वल टू, दिस इज इंपॉर्टेंट, ये अगर आपको इसमें से अगर कुछ याद रखना है तो ये चीज याद रखनी है। ठीक है, तो v इज इक्वल टू वी एस एफ ब्रैकेट वन माइनस के बाय के जे। नेक्स्ट नेक्स्ट इक्वेशन देखते हैं। अब मेरे पास कंडीशन बनाएंगे, इसके बाद नेक्स्ट कंडीशन, वी नो दैट That Q is equals to K into V. आज ही हमने लिखा है, आज ही डेवलप किया ये फॉर्मूला, Q is equal to K into V. Then Q is equals to K को K रखा, V को जस्ट मैंने अभी डेवलप किया, ये V का फॉर्मूला मैंने अभी जस्ट निकाला। V की जगह क्या लिख सकता हूँ? ये पूरा फॉर्मूला लिखेंगे, ब्रैकेट वी एस एफ, इसको लिख सकते हैं कुछ इस तरह से, के वी की जगह लिखेंगे वी एस एफ ब्रैकेट वन माइनस के बाय के जे। ये वैल्यू कहां से आई? ये वैल्यू जो मैंने लिखी, ये मैंने वैल्यू आपका जो वी फाइंड आउट किया था उस वी की वैल्यू को यहां पर
पुट कर दिया तो मेरे पास एक रिलेशन आ गया क्यू का, दैट क्यू इज इक्वल्स टू के वी एस एफ वन माइनस के बाय के जे। ठीक है, अब बात करते हैं क्यू स्टैंड फॉर वॉल्यूम, ट्रैफिक वॉल्यूम, दिस इज ट्रैफिक वॉल्यूम। जैसे आपने वो फॉर्मूला मार्क किया होगा अपने नोट्स में, आप इस फॉर्मूले को भी मार्क कर लेना, ठीक है, ये फॉर्मूला भी मार्क कर लेना। अब अगर आपसे कोई पूछता है कि बताओ मैक्सिमम ट्रैफिक वॉल्यूम कितनी होगी एक रोड पर, मैक्सिमम ट्रैफिक वॉल्यूम कितनी होगी, मतलब वो कहना चाहता है कि क्यू मैक्स कब होगा। अब किसी भी चीज का मैक्सिमम पार्ट निकालना है तो हमें उसे डिफरेंशिएट करना है, देन उसके बाद वही डिफरेंशिएट करके इक्वेट करेंगे जीरो से, कुछ वैल्यू मिलेगी। तो मुझे मैक्सिमम ट्रैफिक वॉल्यूम निकालना है, क्यू मैक्स निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, इसको डिफरेंशिएट करते हैं यहां पर, एंड डिफरेंशिएट किया रिस्पेक्ट टू डेंसिटी तो हमें क्या मिलेगा, वी एस एफ ब्रैकेट वन माइनस, पहले इसको अगर मैं एक बार इक्वेशन, जिनको ये डिफरेंशिएशन में ये थोड़ा सा दिक्कत है तो वो लिख लेते हैं, क्यू इज इक्वल टू, ऐसे लिख सकते हैं वी एस एफ ब्रैकेट वन माइनस के स्क्वायर अपॉन के जे, यहाँ पे भी के आएगा। मैंने क्या किया यहाँ पर, मैंने के को अंदर वन से मल्टीप्लाई किया, के को यहाँ पर के से मल्टीप्लाई किया, तो के माइनस के स्क्वायर यहाँ पर बन जाएगा। अब इसको मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, अब वी एस एफ कॉमन है, उसको कॉमन रखा, के का डिफरेंशिएशन क्या होगा, k, तो वन आ जाएगा, कॉन्स्टेंट की तरह इसको ट्रीट किया। अब k स्क्वायर का क्या हो जाएगा, k स्क्वायर हो जाएगा माइनस ट्वाइस k डिवाइडेड बाय k j, तो ये वैल्यू मेरे पास आ रही है। अब क्या करेंगे, इस इक्वेशन को जीरो से इक्वेट कर देंगे, जब जीरो से इक्वेट किया तो हमारे पास कुछ इस तरह से बनेगा वी एस एफ ब्रैकेट वन माइनस 2k अपॉन k j इज इक्वल टू जीरो। इसको सॉल्व करने पे हमारे को जो वैल्यू मिलती है वो मिलती है k इज इक्वल्स टू k j बाय 2। जब इसको सॉल्व करेंगे हमारे को जो सॉल्व करके वैल्यू मिलेगी दैट विल बी k इज इक्वल टू k j बाय 2। एक बार देख लेते हैं, ये बनेगा 1 माइनस 2 के अपॉन के जे इक्वल टू जीरो, तो इसको शिफ्ट करेंगे 2 के अपॉन के जे इज इक्वल टू जीरो, सॉरी इज इक्वल टू 1, तो यहां पर के इज इक्वल टू आ जाएगा के जे बाय 2। ये चीज मैंने डायरेक्टली लिख दी थी यहां पर, तो समझते हैं एक बार फिर से इसे। हमारे पास क्यू का फॉर्मूला था ये चीज, क्यू इज ट्रैफिक वॉल्यूम, वो हमने लिख के रखा है। अब मेरे को चाहिए था, कंडीशन मैंने आपको दी कि मुझे चाहिए मैक्सिमम ट्रैफिक वॉल्यूम, द क्यू मैक्स चाहिए। उसके लिए मैंने क्या किया, पहले इस के को मल्टीप्लाई कर लिया, ये आ गया यहाँ पर के और ये के स्क्वायर हो गया, देन इसको डिफरेंशिएट किया, डिफरेंशिएट करके इक्वेट किया जीरो से, हमारे को एक वैल्यू मिल गई के इज इक्वल टू के जे। कन्फ्यूज मत होना, के जहाँ लिखा जाएगा दैट इज जनरल, वो जनरल वे में बात हो रही है ट्रैफिक डेंसिटी की, लेकिन जब के साथ जे सब्सक्रिप्ट में आ जाएगा ये जैम कंडीशन, मतलब मैक्सिमम डेंसिटी। तो मेरे पास k इज इक्वल टू के जे बाई टू आ रहा है, और यहां से अगर यही चीज मैं वेलोसिटी निकालूं, जब पहले यहां लिख लेते हैं k इज इक्वल टू के जे बाई टू, ठीक है। सिमिलरली मेरे पास जो वी एस एफ की इक्वेशन थी वो क्या थी, सॉरी जो जनरल v की इक्वेशन, दैट इज वी एस एफ ब्रैकेट वन माइनस के अपॉन के जे, v इज इक्वल्स टू वी एस एफ ब्रैकेट वन माइनस k की जगह मैं क्या पुट करूंगा, के जे बाय टू डिवाइडेड बाय के जे। जैसे ये यहां पुट किया मेरे पास वैल्यू आ गई v इज इक्वल्स टू वी एस एफ वन माइनस वन बाय टू वी एस एफ अपॉन टू। ये इक्वेशन अगर आप किसी को डाउट है ये कहां से आया, ये आज ही हमने डिस्कस किया इक्वेशन, ये इक्वेशन हमने आज ही डेवलप किए, जनरल वेलोसिटी का इक्वेशन। तो मैंने क्या किया, अब यहां देखना, मैंने मैक्सिमम फ्लो चेक करना था
मैक्सिमम वॉल्यूम चेक करनी थी, ट्रैफिक वॉल्यूम मतलब क्यू की वैल्यू निकालनी थी, तो मुझे एक कंडीशन मिली। पहली कंडीशन क्या मिली? पहली कंडीशन ये मिली कि जब मेरी ट्रैफिक डेंसिटी जैम डेंसिटी बाय टू होगी, मुझे कंडीशन मिली कि जब मेरी ट्रैफिक डेंसिटी जैम कंडीशन बाय टू के बराबर होगी, उस केस में मेरे पास मैक्सिमम वॉल्यूम होगी ट्रैफिक की। तो कंडीशन नंबर वन, व्हेन के इज इक्वल्स टू के जे बाय टू, उस टाइम पर क्या होगा? जो मैंने यहाँ पे ये प्रूफ किया पीछे, उस टाइम पे क्या होगा? उस टाइम पे मेरा मैक्सिमम वॉल्यूम होगा। एंड सेकेंड कंडीशन मैंने अभी निकाली, जब यही मैंने कंडीशन को इस वाली इक्वेशन पुट किया तो मुझे मिला जब वी किसके बराबर होगा? वी एस एफ बाय टू के। ये दो कंडीशंस हैं जो एग्जाम में आपसे बार बार पूछी जाती हैं कि मैक्सिमम फ्लो कब होगा। मैक्सिमम फ्लो तब होगा जब मेरा, अगर मैं लिखूं, जब मेरा ट्रैफिक डेंसिटी किसके बराबर होगा? जैम डेंसिटी जो होगी हमारी डिवाइडेड बाय टू, मतलब तो जो मैक्सिमम केज है। और जब मेरा मैक्सिमम वेलोसिटी का भी आधा वेलोसिटी होगा, उस टाइम पे मेरे को मैक्सिमम फ्लो मिलेगा वॉल्यूम का। तो क्यू मैक्स इज इक्वल टू, जनरली हम लिखते हैं क्यू इज इक्वल टू क्या, के इंटू वी। तो क्यू मैक्स इज इक्वल टू के की जगह क्या लिखेंगे? के जे बाय टू इंटू वी की जगह क्या लिखेंगे? वी एस एफ बाय टू। तो मुझे फॉर्मूला जो मिला यहाँ से, डेट क्यू मैक्स इसके बराबर है के जे वी एस एफ डिवाइडेड बाय फोर। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है स्टेट एग्जाम्स में, क्यू मैक्स इज इक्वल टू वॉट, एंड काफी कंफ्यूजन होती है स्टूडेंट्स को। इसमें ध्यान रखना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, के जे इंटू वी एस एफ बाय फोर। अब ये के जे क्या है और ये वी एस एफ क्या, ध्यान रखना। ये के जे बाय टू क्या है, वी एस एफ बाय टू क्या है, ये भी ध्यान रखना। तो एक बार इस चीज को एक बार देख लेते हैं, पूरी कहानी कहाँ से स्टार्ट हुई थी कि ट्रैफिक फ्लो करेक्टरिस्टिक्स से हमने एक नई टर्म डेवलप की, ट्रैफिक डेंसिटी, वो हमने निकाला। उसके बाद हमने वहां से एक फॉर्मूला डेवलप किया, दैट फॉर्मूला विल बी, हमारा जो फॉर्मूला था वो था क्यू इज इक्वल्स टू के इन टू वी। एंड उसके बाद हमारे पास ग्रीन शील्ड मॉडल आया, लीनियर रिलेशन हमने डेवलप किया। उसके बाद यहाँ पर एक क्वेश्चन क्या बन सकता है कि ग्रीन शील्ड मॉडल किस एजम्पशन बेस्ड है, तो ध्यान रखना लीनियर। ये सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो मेन चीज आई, एक ये इक्वेशन वी की, वो पता होनी चाहिए आपको। उसके बाद हमने फॉर्मूला डेवलप किया कि मैक्सिमम क्या होगा, उसके लिए निकाला। देन हमारे पास ये कंडीशंस करके क्यू मैक्स की वैल्यू कितनी आई, के जे इंटू वी एस एफ बाई फोर। ये आपको समझ आना चाहिए एक बार कि क्या क्या चीज़ कहाँ से चीज़ें ली हम आए यहाँ पर। ये भी इक्वेशन हमने आज डेवलप किया। आई होप आपको ये क्लियर होगा कि ट्रैफिक डेंसिटी, ट्रैफिक वॉल्यूम एंड स्पीड के बीच में आपस में क्या रिलेशन था। नेक्स्ट चलते हैं इसी इक्वेशन से आगे, इनके बीच में एक हमने ग्राफिकली रिलेशन डेवलप किया, वो भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं यहां रखते हैं वेलोसिटी, यहां रखेंगे हम डेंसिटी, ठीक है। दूसरा कर्व यहां रखेंगे वेलोसिटी और यहां रखेंगे वॉल्यूम, और तीसरा कर्व यहां पर, यहां रखेंगे हम डेंसिटी और यहां रखेंगे हम सबसे पहला, ये अभी हमने बनाया था क्लीनियर लाइन। ये आ गया हमारे पास के जे मैक्सिमम। काफी स्टूडेंट्स को ये भी डाउट होते हैं कि सर मैक्सिमम डेंसिटी तो इस जगह पर है केजे पे, लेकिन जब आप क्यू मैक्स की बात करते हो तो केजे बाय टू क्यों किया? क्योंकि आप देख सकते हो जब मैक्सिमम डेंसिटी होगी उस टाइम पे गाड़ी चल ही नहीं रही है, वेलोसिटी जीरो है। हमें इसलिए वॉल्यूम जब भी पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कितने व्हीकल्स एक पर्टिकुलर सेक्शन से पास करेंगे इन एन आर, इसलिए उसकी कंडीशन अलग आती है। वी एस एफ के जे ये आ गया, ये मैं एक सेंटर पॉइंट ले रहा हूँ, इसको मैं ले रहा हूँ वी एस एफ बाई टू, ठीक है। इसका भी एक सेंटर पॉइंट ले रहा हूँ,
इसे मैं ले रहा हूँ के जे बाय टू, ठीक है। इसी चीज को आगे मैं कंटिन्यू करते हैं, यहाँ से ये पॉइंट यहाँ पर जो आएगा इसे ले लेते हैं वी एस एफ बाय टू, ठीक है। इस चीज को नीचे ले आते हैं, ये आ गया मेरे पास के जे बाय टू, ठीक है। अब यहां देखते हैं, हमने तीन ग्राफ्स बनाए और तीनों में से कोई ना कोई एग्जाम में पूछ सकते हैं वो आपको। पहला हमने बनाया के और वी के बीच में, जो हमने पहले भी बनाया था, क्योंकि ग्रीन शील्ड मॉडल जो हम पढ़ रहे हैं उसमें उसने क्या कहा है, हम एज्यूम कर रहे हैं लीनियर रिलेशन के और वी के बीच में, तो वहां से ये ग्राफ हमने यूज किया। तो ये हमने वी एस एफ के जे, ये सेंटर पॉइंट जो होगा इसको के जे बाय टू बोलेंगे, दिस इज के जे बाय टू, और वहां से वी एस एफ बाय टू। फिर हमने यहाँ से वी एस एफ बाय टू का सेंटर उठाया और यहाँ पर देखा ये जो क्यू के साथ वी का कर्व बना हुआ, जब क्यू मैक्सिमम हमने अभी डेवलप किया था क्या, कि जब हमारा क्यू मैक्स होगा उस टाइम पे दो कंडीशंस थी, एक के इज इक्वल टू के जे बाय टू और एक वी इज इक्वल टू वी एस एफ बाय टू। तो ये आप देख सकते हो क्यू मैक्स के कॉरेस्पॉन्डिंग वेलोसिटी क्या आ रही है, वी एस एफ बाय टू। और इस कर्व में आप देख सकते हो क्यू मैक्स के कॉरेस्पॉन्डिंग जो के की वैल्यू आ गई, ये पॉइंट के जे, यहाँ पे जो वैल्यू आ गई वो कौन सी आ रही है, के जे बाय टू। आई होप आपको ये समझ आया होगा, ये तीनों कर्व्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका कोई भी रिलेशन आपसे पूछा जा सकता है क्यू वी के बीच में, और ये आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए ये टर्म कैसे बने। इस पर क्वेश्चन भी बहुत अच्छे बनते हैं, क्वेश्चन डिस्कस करते हैं इस कंसेप्ट के ऊपर। जैसे आपको कोई बोले कि कैलकुलेट करो, कैलकुलेट मीन डेंसिटी, डेंसिटी में ट्रैफिक डेंसिटी की ही बात करूं, मीन स्पीड एंड मैक्सिमम ट्रैफिक वॉल्यूम। अब ये तीन टर्म्स मुझे निकालनी है, इफ कंडीशन क्या दी है, यू मतलब वेलोसिटी इज इक्वल्स टू 53 माइनस 0.43 इंटू के, ठीक है। पहले समझना पूरा क्वेश्चन ध्यान से, अलग अलग तरीके से लोग सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को, मैं पहले अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको बता रहा हूं। अच्छा, मीन डेंसिटी क्या हो गया, अगर डेंसिटी के था, मीन डेंसिटी मतलब उसका आधा, तो मतलब ये हो गया के जे बाय टू। मीन स्पीड मतलब आधा, वी एस एफ बाय टू। ये टर्म्स कैसे आई मेरे पास, कहां से पता चला मुझे, क्योंकि हमने क्या डिस्कस किया था स्टार्टिंग में यहाँ पर, कि अगर ये के जे है, यहाँ पर के जीरो है, तो इनका एवरेज क्या होगा, के जे बाय टू मतलब मीन सेंटर, वी एस एफ और ये जीरो, वी एस एफ बाय टू। अब क्वेश्चन में चीज को रिलेट करते हैं, हमें तीन चीजें पूछी एंड मैक्सिमम ट्रैफिक वॉल्यूम, मैक्सिमम ट्रैफिक वॉल्यूम मतलब क्या हुआ, क्यू मैक्स। तो क्यू मैक्स निकालने के लिए तो आपको पता है कि क्यू मैक्स अगर मुझे निकालना है तो मुझे के जे बाय टू इंटू वी एस एफ बाय टू करना पड़ेगा। जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी इन क्वेश्चन में, आप सीधे लिखोगे के जे इंटू वी एस एफ बाय फोर, इस तरह से ये चीज। बट उसने सिर्फ और सिर्फ ये इक्वेशन दे के रखी है आपको, ठीक है। अब ऐसा क्वेश्चन आपको काफी जगह मिलेगा, समझते हैं इसको कैसे अप्रोच करना है। पहले ये वी और यू से कंफ्यूज नहीं होना, यू लिखा हो वी लिखा हो बात एक ही है, ठीक है। अब देखते हैं इस चीज किस तरह से, हमें पता है एक रिलेशन दैट क्यू इज इक्वल्स टू क्या, के इंटू वी। वो अगर देखें तो क्यू इज इक्वल टू क्या आया, के ब्रैकेट 53 माइनस
0.43 इंटू के, तो 53K माइनस 0.43K² ये चीज आ रही है हमारे पास, तो ये चीज मेरे पास आ, ठीक है। पहले मैं आपको बिल्कुल बेसिक तरीका बता रहा हूं कि अगर मैं कहूं यहां पर फॉर क्यू टू बी मैक्सिमम, अगर मैं चाहता हूं कि क्यू मैक्सिमम हो, तो वही चीज करेंगे क्या, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू की और उसको बाद में इक्वेट कर देंगे किससे, जीरो से। तो अगर इस इक्वेशन को हम डिफ्रेंशिएट करें तो ये कुछ इस तरह से बनेगा, 53 माइनस 0.43 इंटू टू इंटू के, दैट शुड बी इक्वल टू व्हाट, जीरो। ऑन सॉल्विंग दिस हमें यहां से के की एक वैल्यू मिलेगी, वो वैल्यू आती है अप्रोक्सीमेटली 61.62। आप चेक कर लेना, के की वैल्यू आएगी 61.62, ठीक है। एंड ये मुझे के की वैल्यू मिल गई। जब k की वैल्यू मुझे मिल गई, अगर ये मैं k की वैल्यू को पुट करूंगा अपनी v वाली इक्वेशन में, इस इक्वेशन नंबर 1 में, तो हमारे पास v की वैल्यू क्या आ जाएगी, v इज इक्वल्स टू 53 माइनस 0.43 इंटू 61.62। उसको सॉल्व करके जो मेरे पास v की वैल्यू आती है, वो वैल्यू आती है अप्रोक्सीमेटली, चेक करेंगे वैल्यू इसकी, अप्रोक्सीमेटली शायद से 40 समथिंग के करीब वैल्यू आएगी, देख लेते हैं। एंड अब मेरे को यहां पर कंडीशंस को आगे यूज करना, हमारे पास के आ गया 61.62 और हमें पता है जो के होता है वो किसके बराबर होता है, मतलब ये कौन सा के है जो मैक्स वाला के, वो के किसके बराबर होता है, के जे बाय 2 के। तो यहां से मुझे kj की वैल्यू भी मिल सकती है, वो कितनी होगी, 61.62 into 2। आई होप ये समझ आया आपको, ये क्वेश्चन में पूछा नहीं था, क्वेश्चन में उसने यही पूछा था मीन डेंसिटी, तो वो ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं क्योंकि हमें पता है कि जब kj बाय 2 जो होता है, जो मीन होता है, और वही हमारा k, जब डिफ्रेंशिएट करके जो k आता है वही सेम चीज होती है, क्योंकि हमारे को पता है कि जो डिफ्रेंशिएट करके यहां से k आता है वो किसके बराबर होता है, kj बाय 2 के, जस्ट अभी हमने डिस्कस किया। समझना इस चीज को, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत इजी है कि अब हमने यहां से kj की वैल्यू, सिमिलरली यहां से v निकाल सकते हैं। अब आपको जब उसने ट्रैफिक फ्लो पूछा हुआ है तो kj बाय 2 भी आप निकाल चुके हो ऑलरेडी, वैसे आप vsf बाय 2 भी आप निकाल चुके हो, तो वो वैल्यूज आप पुट करोगे, आपको यहां से वैल्यू मिल जाएगी। ये आगे एक समझने का तरीका, एग्जाम में इतना लंबा अप्रोच नहीं लगाना, हम शॉर्टकट करेंगे, बट पहले समझ लो इस चीज को किस तरह से हमने ये अप्रोच किया, पहले k निकाला, देन v निकाला, देन उसके बाद हमने दोनों इक्वेशंस को कैसे पुट किया। यहां से भी ऑब्वियसली जो मान लो जो भी x वैल्यू आएगी सॉल्व करके, वो जो वैल्यू आएगी वो किसके बराबर होगी, वो एक्चुअली ये चीज आई है, वो v इज इक्वल टू वी एस एफ बाय 2 के बराबर आए, क्योंकि ये दोनों टर्म्स हमने अभी डिस्कस की। आई होप आपको समझ आया हो। एक तो हो गया ये अप्रोच, इसके अलावा भी एक अप्रोच है जो हम डिस्कस कर सकते हैं इस तरह से। हमारे पास इक्वेशन थी u की 53 माइनस 0.43 इंटू के, और हमने जब q में वो वैल्यू पुट की तो वैल्यू क्या आई, 53K माइनस 0.43K² ये वैल्यू बनी। अब पहले वाले तरीके में मैंने क्या किया, डिफ्रेंशिएट किया, देन इक्वेट किया जीरो से और सॉल्व किया, और वहां से k और vsf की वैल्यू निकाली। बट हमें पता है कि Q max कब होता है वो भी पता है, और वैसे इस इक्वेशन को अगर हम देखें, बहुत इजी अप्रोच बता रहा हूं आपको, विदाउट कैलकुलेटर ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा इस तरह से। हमने जो अभी पीछे ये लीनियर रिलेशन बनाया था किसके बीच में, V और K के बीच में, इसी इक्वेशन को देखें, वी नो दैट कि जब K की वैल्यू KJ होती है उस टाइम पे V क्या होता है, जीरो होता है। तो वही कंसेप्ट अगर यहां लगाएं इस इक्वेशन में, दैट जब v इज इक्वल टू, व्हेन v इज इक्वल टू जीरो, तो k kj के बराबर होगा, तो 53 माइनस 0.43 इंटू मुझे क्या मिल जाएगा यहां से, kj। तो जब यहां से जो kj सॉल्व करके आएगा, दैट विल बी अप्रोक्सीमेटली 123.25। और हमें पता है कि फॉर k
क्यू मैक्स के जो होता है वो किसके बराबर होता है, के जे बाय टू के बराबर होते हैं। तो 123.25 डिवाइडेड बाय जब टू करेंगे वो वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, 61.62। आप चेक कर सकते हो इस तरीके से भी, और जो हमने ये अप्रोच लगा इससे भी। ये कंसेप्चुअल नॉलेज के लिए अच्छा तरीका था जिससे आपको समझ आए वैल्यू कैसे बन रही है, और यहां से भी मैंने वो चीज निकाल दी। सिमिलरली फिर से इस इक्वेशन को अगर मैं यूज करूं देखना, और ये चीज जो मैंने आपको समझाई कि जब वी वी एस एफ के बराबर होगा यहां पर उस टाइम पे के जीरो होगा, तो वो भी अगर मैं कंसेप्ट लगाऊं व्हेन वी इज इक्वल टू वी एस एफ तो के किसके बराबर होगा, के जीरो होगा। तो वी एस एफ इज इक्वल टू 53 माइनस 0.43 इंटू जीरो। तो वी एस एफ की वैल्यू मेरी कितनी आ रही है, 53। VSF की वैल्यू कितनी आ रही, 53। और मुझे पता है कि जब मुझे क्यू मैक्स निकालना है तो क्यू मैक्स जब निकालना है उस टाइम पर वी इज इक्वल टू वी एस एफ बाय टू, और उसको जब सॉल्व करेंगे तो 53 बाय टू वही आंसर आ जाएगा हमारा 26.5, जो हमारा इस तरीके से आ रहा था। यहां पे भी सेम ही आंसर आएगा, आप चेक कर लेना। तो आप समझ सकते हो कितना क्वेश्चन इजी हो जाता है अगर आप इस अप्रोच से लगाओ, और वो बताना भी इंपॉर्टेंट था क्योंकि उसकी अपनी इंपॉर्टेंस है, कंसेप्ट क्लैरिटी के लिए वो पता होना चाहिए है दोनों तरीके। और मैं आपको ये बोलूंगा कि आप इस तरीके से सॉल्व करो क्योंकि आपको टाइम बचेगा, क्योंकि आपने पढ़ा कि ग्रीनशील्ड ने क्या बोला है, लीनियर रिलेशन, और जब तक क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा गया है आपने वही अप्रोच मान के चलना। आई होप ये समझ आया। नेक्स्ट आगे चलते हैं। तो ग्रीनशील्ड के बाद नेक्स्ट आता है नंबर टू, ग्रीन बर्ग्स मॉडल। इसमें एजम्पशन जो ली गई वो लीनियर नहीं लिए गया, वहां पर इसमें बोला गया लॉगरिथमिक रिलेशन। तो ये लिख देते हैं इन दिस, अगर ये क्वेश्चन आएगा तो बस यही चीज पूछेंगे या इसका फॉर्मूला पूछेंगे। इन दिस मेथड लॉगरिथमिक रिलेशन एग्जिस्ट बिटवीन के एंड वी, के मतलब डेंसिटी, वी मतलब वेलोसिटी। तो जो यहां से वेशन डेवलप होता है वो कुछ इस तरह से होता है, वी इज इक्वल टू वी एस एफ लॉग नेचुरल के जे अपॉन के। जैसे उसका रिलेशन डेवलप होता है वी का, वैसे इसका भी एक रिलेशन डेवलप होगा यहां से। एंड यहां पर जो आपका क्यू मैक्स आता है वो कुछ इस तरह से आता है, क्यू मैक्स इज इक्वल टू के जे वी एस एफ बाय ई ई एक्सपोनेंशियल। उसमें क्या आया था, के जे इंटू वी एस एफ बाय फोर, इसमें आता है के जे इंटू वी एस एफ बाय ई। कोई मुश्किल नहीं है, अगर आपको किसी को ये है कि हमें ये देखना ये कैसे बना फॉर्मूला, आप सिंपली क्या करोगे, जैसे मैंने V का आपको रिलेशन लिख के दिया, उसमें V का मैंने आपको रिलेशन लिख के दिया था A प्लस बी इंटू के, वैसे आपको ये लिख के दिया, आप सिंपली Q इज इक्वल टू K इंटू V, यहाँ पर ये V की वैल्यू को पुट कर दोगे, देन उसको एक बार Q मैक्स निकालोगे, Q मैक्स के लिए आप क्या करोगे डी क्यू बाय डी के करोगे, देन उसको इक्वेट करोगे जीरो से, आपको K की वैल्यू मिल जाएगी, आपको V की वैल्यू मिल जाएगी, उन दोनों को यूज करके आपको एंड में ये रिजल्ट मिलेगा। तो इसलिए मैंने ये सॉल्व, क्योंकि आपको अगर ये क्वेश्चन बना तो डायरेक्टली यही चीज पूछेगा कि ग्रीन बर्ग्स मॉडल के अकॉर्डिंग क्यू मैक्स का फॉर्मूला क्या है, एक ये। और दूसरा क्वेश्चन यहाँ से क्या बन सकता है, दूसरा क्वेश्चन ये आएगा कि आपको ये ग्रीन बर्ग्स मॉडल किस एजम्पशन पे बेस्ड है, लॉगरिथमिक रिलेशनशिप पे बेस्ड है, वो हमारा लीनियर था ये लॉगरिथमिक, क्लियर। नंबर थर्ड आते हैं एक्सपोनेंशियल रिलेशन, ये अभी तक एग्जाम में नहीं पूछा गया, एक्सपोनेंशियल रिलेशन बिटवीन के एंड वी। यहां पे जो वी का हमारा इक्वेशन बनता है वो होता है वी इज इक्वल टू वी एस एफ ई की पावर माइनस के बाय के जे, ठीक है। तो ध्यान रखना
एक्सपोनेंशियल रिलेशन के लिए ये चीज इंपॉर्टेंट थी, तो मैंने लिखवा दिया। तीन तरह के हमारे पास जो कंसेप्ट आए थे प्रेफर, पहले अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा गया है आपने ग्रीन फील्ड मेथड लगाना है जिसके अंदर लीनियर रिलेशन माना जाता है, अदरवाइज बाकी ग्रीनबर्ग का क्वेश्चन जो बनेगा वो बता दिया। एंड एक्सपोनेंशियल रिलेशन एक और था के एंड वी के बीच, उसमें वी का ये रिलेशन डेवलप होता है। तो ये तीन तरह की अप्रोचेस हमने डिस्कस किए। नेक्स्ट चलते हैं हमारे पास एक नया टॉपिक, दैट विल बी स्पेस हेडवे, स्पेस हेडवे। ठीक है, पहले लिख लेते हैं है क्या बेसिकली। इट इज एवरेज स्पेस गैप मेंटेन्ड बिटवीन टू सक्सेसिव व्हीकल्स मूविंग इन द सेम लेन and measured from head to head या tail to tail। इंटरेस्टिंग चीज है, समझते हैं इसे। छोटे छोटे क्वेश्चंस बनेंगे यहां से, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। स्पेस हेडवे है क्या बेसिकली। अब अगर मैं आपके सामने ये स्ट्रेच रखूं रोड का, ठीक, यहां पर एक व्हीकल है, ये व्हीकल, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि इनके बीच का गैप क्वेश्चन में क्योंकि मेंशन किया है, या तो हेड टू हेड, अब गाड़ी के आगे से इस गाड़ी के आगे से इस गाड़ी के आगे तक का गैप स्पेस, इसको मैं S1 नाम दे रहा हूं, इस गाड़ी के आगे से इस गाड़ी के आगे तक का नाम S2, इसको S3, इस तरह से हर एक गाड़ी के बीच में अलग अलग गैप होगा, स्पेस होगा। पहले तो इसको एक, अगर हम सबको ऐड करें क्योंकि हमें एक एवरेज लेना है, तो हमारे पास एक एवरेज स्पेस हेडवे बनेगा, वो कुछ बन जाएगा S1 प्लस S2 सो ऑन, जितना भी होगा डिवाइड बाय नंबर ऑफ जितना भी हमारे गैप्स बनते होंगे। तो वहां से मान लो एक वैल्यू मिल गई मुझे, वो S आ गया, ठीक है, एवरेज स्पेस गैप, कि सभी गाड़ियों के बीच में S गैप है। तो ये स्पेस हेडवे हमारे को हेल्प क्या करते हैं निकालने में, यहां देखते हैं। अगर मैं हेड टू हेड एज्यूम कर रहा हूं कि बीच में गैप है S, सेम S, ऐसे आगे वाली में भी S, ऐसे आगे वाली में भी S, तो अगर हमें ये पता हो कि दो सक्सेसिव गाड़ियों के बीच में कितना गैप है, तो 1 किलोमीटर स्ट्रेच में नंबर ऑफ व्हीकल्स हमें पता चल जाएंगे कितने। अगर आपको एक, मान लो अगर आपको बोला जाता है कि 1 किलोमीटर स्ट्रेच में दो गाड़ियों के बीच में जो गैप है दैट इज 5 मीटर्स, एज्यूम 5 मीटर्स है, तो बताओ नंबर ऑफ व्हीकल्स कितने हैं, तो हम आराम से निकाल सकते हैं, या डेंसिटी कितनी है हम आराम से निकाल सकते हैं। तो यहां देखते हैं, ट्रैफिक डेंसिटी जो हमने आज डिस्कस किया, जो होता क्या है, कितने व्हीकल्स हैं 1 किलोमीटर स्ट्रेच के अंदर, ठीक है। अगर दो गाड़ियों के बीच में गैप S है, तो बताओ 1 किलोमीटर में कितनी डेंसिटी, कितनी ट्रैफिक की, कितने नंबर ऑफ व्हीकल्स हैं, तो हम क्या करेंगे, 1 किलोमीटर
देखते रहना, 1 किलोमीटर डिवाइडेड बाय एवरेज स्पेस हेडवे। अब जो गाड़ियों का गैप होगा वो मीटर में होगा, ज्यादा से ज्यादा हम मीटर में ही लेके चलेंगे, तो ऊपर किलोमीटर है तो किलोमीटर को कन्वर्ट किया मीटर में, 1000 डिवाइडेड बाय एवरेज स्पेस हेडवे आ गया एस। देयरफॉर हम बोल सकते हैं दैट ट्रैफिक डेंसिटी, डेंसिटी अगर आपको निकालनी है तो आप कैसे निकाल सकते हो, 1000 डिवाइडेड बाय एस, और ये एस क्या है, एस हमारा बेसिकली स्पेस हेडवे, और ये स्पेस हेडवे क्या आ गया, स्पेस हेडवे हो गया दो सक्सेसिव गाड़ियों के बीच में कितना गैप, वहां से हम अपनी डेंसिटी भी फाइंड आउट कर सकते हैं। आई होप ये समझ आया हो। तो स्पेस हेडवे क्या आ गया, इट इज एन एवरेज स्पेस गैप बिटवीन टू सक्सेसिव व्हीकल्स मूविंग इन द सेम लेन एंड मेजर्ड फ्रॉम इधर हेड टू हेड और टेल टू टेल। क्लियर? तो एक अगर छोटा सा एग्जाम्पल देखें इसका, अगर आपको क्वेश्चन में बोला जाता है इफ द एवरेज स्पेस गैप बिटवीन टू सक्सेसिव व्हीकल्स इज 5 मीटर देन व्हाट इज जैम डेंसिटी। तो आपको निकालना क्या है, के निकालना है। आपको पता है कि दो गाड़ियों के बीच में 5 मीटर का डिस्टेंस है, तो डेंसिटी कितनी होगी, 1000 डिवाइड बाय एस, 1000 डिवाइडेड बाय 5, कितना आ गया, 200 व्हीकल्स हैं पर किलोमीटर स्ट्रेच के अंदर। इन शॉर्ट इसने दिया क्या आपको, नंबर ऑफ व्हीकल्स ही बताए, 1 किलोमीटर में कितने व्हीकल्स। और आप इसको प्रैक्टिकली भी देखो, और आपको क्या बोले कि सभी गाड़ियां 1 किलोमीटर में गाड़ियां लगी हैं बैक टू बैक और सभी गाड़ियों के बीच में 10 मीटर का डिस्टेंस है, तो बताओ नंबर ऑफ व्हीकल्स कितने होंगे। तो आप बोलोगे 1 किलोमीटर डिवाइड बाय 10, तो 1000 डिवाइड बाय 10, 100 गाड़ियां होंगी उस तरह से। आई होप ये क्लियर है आपको। नेक्स्ट, जो स्पेस हेडवे है एंड जो स्पीड है स्पेस हेडवे और स्पीड का जो ग्राफ है वो कुछ इस तरह से जाता है। किस तरह समझना है इसे, एग्जाम्पल ऐसे लेके चलो, मानो कि आप किसी सिग्नल पे खड़े हो और सिग्नल रेड है इस टाइम, तो सिग्नल रेड होगा तो सभी व्हीकल्स एक के पीछे कुछ गैप स्पेस गैप के साथ होंगे, और वो जो गैप होगा जैसे ही वो सिग्नल रेड से ग्रीन होगा जो सबसे आगे व्हीकल होगा जो एकदम सिग्नल के पास होगा वो मूव करेगा, तो उसकी फिर पीछे वाला मूव करेगा फिर पीछे वाला मूव करेगा। मतलब यहां देखते हैं जैसे जैसे स्पीड बढ़ेगी, स्पीड हमारी बढ़ते जाएगी वो गैप भी बढ़ता जाएगा। आई होप ये समझ आ रहा हो आपको। तो अगर इसका अगर मैं आपको बुक में दिखाऊं तो बुक में कुछ इस तरह से दिया जाता है ये चीज, जैसे जैसे स्पीड बढ़ रही है ये जो आपको दिख रही होगी ये लाइन जा रही है, विद स्पीड हमारा स्पेसिंग भी बढ़ती जाएगी, दैट इज ऑब्वियस। आपको समझ आने चाहिए ये चीज कैसे आएगी। तो आपसे कभी भी क्वेश्चन बने तो एक नोट यहां लिख देना, नोट आ जाएगा As the speed increases, space headway also increases. Clear? जिस तरह से space headway हमने discuss किया वैसे एक और headway होता है जिसे हम बोलते हैं time headway. Next discuss करते हैं time headway. नंबर टू टाइम हेड। टाइम हेडवे के बारे में बात करते हैं, पहले इसकी भी डेफिनेशन लिख लेते हैं। इट इज
एवरेज टाइम गैप बिटवीन टू सक्सेसिव व्हीकल्स मूविंग इन अ सेम लेन एंड मेजर्ड फ्रॉम हेड टू हेड, जैसे पहले बात की थी, हेड टू हेड एज दे पासेस अ पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ द रोड, एज दे पासेस अ पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ द रोड। पहले समझ लेते हैं इसे। ये वो एक सेक्शन बनाया मैंने, ये आ गया एक व्हीकल यहां पर, अब ये वाले व्हीकल को यहां तक पहुंचने में मानो इस व्हीकल को यहां तक पहुंचने में जो टाइम लगा मानो वो लगा 50 सेकेंड्स, और इस वाले व्हीकल को यहां से यहां पहुंचने में जो टाइम लगा वो लगा मानो 80 सेकेंड्स। ठीक है, तो हमने क्या लिखा, टाइम हेडवे क्या है, इट इज एन एवरेज टाइम गैप बिटवीन टू सक्सेसिव व्हीकल्स मूविंग इन द सेम लेन एंड मेजर फ्रॉम हेड टू हेड, या तो आगे से करो वैसे टेल टू टेल भी लिख सकते हैं, हेड टू हेड एज दे पास अ पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ द रोड। मतलब इस व्हीकल ने इस सेक्शन को क्रॉस करने में 50 सेकेंड्स लगाए, इस व्हीकल ने इस सेक्शन को क्रॉस करने के लिए 80 सेकेंड्स लगाए, तो जो इनका एवरेज आया वो कितना आएगा, T2 - T1, वो वैल्यू कितनी आ गई, अगर इस जो मैंने वैल्यू लिखी उसके हिसाब से देखें तो कितना आ गया, 80 - 50। क्लियर, तो इसे बोलते हैं टाइम हेडवे। अब टाइम हेडवे का मतलब इसको यूज कैसे करने, अब समझना ध्यान से, जब हमने पिछला डिस्कस किया कि स्पेस हेडवे हमारे को कहां हेल्प कर रहा था, जो क्वेश्चन यहां से क्या बनेगा, स्पेस हेडवे हमें हेल्प करता है ट्रैफिक डेंसिटी कैलकुलेट करने में, क्योंकि हमें गैप मिल जाता है व्हीकल्स के बीच में और हम क्या करते हैं 1 किलोमीटर स्ट्रेच डिवाइड बाय वो गैप एवरेज क्या है। सिमिलरली टाइम हेडवे हमें कहां हेल्प करेगा, अगर हमें ये पता चल जाए इस पर्टिकुलर सेक्शन से ऑन एन एवरेज व्हीकल इतने टाइम में निकल रही है, तो बताओ 1 आवर में कितने व्हीकल्स निकलेंगे, तो मतलब टाइम हेडवे इनडायरेक्टली हमें क्या देता है निकाल के, वॉल्यूम, एंड स्पेस हेडवे हमें क्या निकाल के देता है, डेंसिटी। वो पॉइंट लिखेंगे अभी नेक्स्ट हम आगे, तो यहां लिखते हैं सिमिलरली अगर आप बात करें ट्रैफिक वॉल्यूम वो कितना होगा, व्हीकल पर आर कितना होगा, 1 आवर में ऑन एन एवरेज, यहां पर एवरेज टाइम हेडवे जो मोस्टली आपको सेकंड्स में ही दिया होगा। अब ऊपर आर को सेकंड्स में कन्वर्ट करना है तो 3600 डिवाइडेड बाय, इसको डिनोट करेंगे हम स्मॉल एच से एवरेज टाइम हेडवे को, देखो ट्रैफिक वॉल्यूम वॉल्यूम किसके बराबर आ गया, अगर आपको टाइम हेडवे गिवन है तो अब वहां से आप क्या निकाल सकते हो, ट्रैफिक वॉल्यूम निकाल सकते हो। ठीक है, आई होप ये समझ आया होगा आपको। जैसे उसका ग्राफ हमने देखा था, एक इसका ग्राफ भी देख लेते हैं, ये वाला ग्राफ, ये जो लाइन यहां पर है ये वाला, ये बेसिकली हमारे को स्पेस का है, स्पेस हेडवे का, एंड ये वाला जो कर्व है ये बेसिकली टाइम हेडवे का। क्लियर, अब इसके बारे में पॉइंट लिखते हैं, नोट करके, फ्रॉम
फर्स्टली आपने अभी देखा होगा कर्व में, मैं लिख बनाऊंगा भी कर्व, फर्स्टली टाइम हेडवे डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन स्पीड रीच टू मिनिमम टाइम हेडवे, इस तरह से ये देखो ये कर्व आ रहा है आपका टाइम हेडवे का। तो जैसे ये नीचे इस एक्सिस पे स्पीड है, तो जैसे जैसे हमारा टाइम हेडवे बढ़ रहा है, सॉरी जैसे जैसे हमारी स्पीड बढ़ रही है, हमारा टाइम हेडवे की वैल्यू यहां पर ये लिखा हो मिनिमम हेडवे, जैसे जैसे हमारा स्पीड बढ़ते जा रही है ये वैल्यू हमारी कम होते जा रही है। एक ऐसी स्टेज आएगी जहां पर हमारी मिनिमम हेडवे की वैल्यू होगी, उसके बाद अगेन ये वैल्यू बढ़ती जाएगी। तो उसी के बारे में मैं यहां लिख रहा हूं, फर्स्टली टाइम हेडवे डिक्रीजेस जो मैंने आपको दिखाया, विद इंक्रीजिंग स्पीड रीचेस टू मिनिमम टाइम हेडवे। इस जगह पर जब सबसे कम टाइम हेडवे होगा, मतलब कम टाइम लग रहा है, उस टाइम हम क्या लिखेंगे, व्हेन ट्रैफिक, व्हेन की जगह लिखेंगे वेयर, वेयर ट्रैफिक वॉल्यूम इज मैक्सिमम। ऑब्वियसली अगर जल्दी जल्दी गाड़ियां एक सेक्शन से निकलते जा रही हैं, जैसे जो मैंने पीछे फिगर बनाई थी यहां पर, अगर इस सेक्शन से एक गाड़ी 50 सेकंड्स, अगली 51, 52, 53, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये हुआ कि गाड़ी काफी जल्दी निकल रही है, मतलब रोड पे, उस रोड पर काफी ज्यादा व्हीकल्स हैं। तो मतलब अगर ये मिनिमम को अचीव कर जाए, मतलब समझ जाना कि ट्रैफिक वॉल्यूम इज मैक्सिमम, एंड जब वो अचीव करेगा एंड देन अगेन इट स्टार्ट्स इंक्रीजिंग, स्टार्ट्स इंक्रीजिंग। अगर मैं बनाऊं यहां पर तो कुछ इस तरह से, यहां पर आ गया मेरा टाइम हेडवे, टाइम हेडवे, और यहां पर आ गया मेरा वेलोसिटी। आहिस्ता आहिस्ता यहां से वैल्यू कम होती जाएगी, एक ऐसी स्टेज आएगी उसके बाद, वो स्टेज कौन सी होगी, जिस टाइम पे हमारे यहां पर मिनिमम टाइम हेडवे होगा, और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग उसने क्या बोला यहां पर ऊपर, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमने बोला कि उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो ट्रैफिक वॉल्यूम होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम ट्रैफिक वॉल्यूम होगा। और हमें पता है जब क्यू मैक्स होता है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग वेलोसिटी क्या होती है, वी एस एफ बाय टू, आज ही डिस्कस किया। तो मतलब इस जगह पर वी एस एफ बाय टू वेलोसिटी हो, फिर इसको अचीव करने के बाद वैल्यू फिर इंक्रीज करते जाएगी। वेरी इंपॉर्टेंट कर्व, आप यहां भी देख लो एक बार, ये बुक का कर्व है, जस्ट पहले यहां पर विद स्पीड जैसे जैसे इंक्रीज हो रही है, एक ऐसा स्टेज आएगा ये चीज यहां पर आपको वेलोसिटी मिलेगी, और वो वेलोसिटी कौन सी होगी, वो वेलोसिटी होगी वी एस एफ बाय, आई होप ये क्लियर है। कोई भी डाउट होगा इस टॉपिक के रिलेटेड तो मुझे बता देना। नेक्स्ट चलते हैं, एक और नोट लिखते हैं इसके बाद और कंक्लूड करते हैं इस चीज को। नोट जो मैं लिखवा रहा हूँ इनको जरूर ध्यान से लिखा करो, क्योंकि ये ही मैं नोट को एक क्वेश्चन वाला चीज को ही नोट में लिखवाता हूँ कि ट्रैफिक वॉल्यूम डिपेंड्स अपॉन, अगर हमें वॉल्यूम निकालने तो वो किस पे डिपेंड कर रहे हैं, डिपेंड्स अपॉन टाइम हेडवे, अभी हमने डिस्कस किया। वेयर एज अगर मुझे डेंसिटी निकालनी है, ट्रैफिक डेंसिटी निकालनी है, वो किस पे डिपेंड करेगी, इट विल डिपेंड अपॉन स्पेस। आई होप ये समझ आया हो आपको, ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है, इसे मार्क कर लेना कि ट्रैफिक वॉल्यूम किस पे डिपेंड करता है एंड ट्रैफिक वॉल्यूम किस पे डिपेंड करता है, टाइम हेडवे पे, टाइम हेडवे को किससे डिनोट कर रहे हैं हम स्मॉल एच से, और ये किस पे डिपेंड करेगा, स्पेस हेडवे। क्लियर,
तो हमारा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आज यहाँ पर कंप्लीट होता है। एक बार गो थ्रू कर लेते हैं कि जो जो चीज़ें हमने कवर की, कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको आप इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि ये चीज़ें कभी ना कभी आपको मैक्सिमम टाइम्स ये क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा जो हमने आज डिस्कस किए। एक बार देख लेते हैं इस चीज़ को। तो ट्रैफिक फ्लो करेक्टरिस्टिक से हमने स्टार्ट किया था, एक रिलेशन डेवलप किया, जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है उनको मैं हाईलाइट कर दूंगा। ये रिलेशन आपको पता होना चाहिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ग्रीन शील्ड ने क्या एजम्पशन बताई उस पर ध्यान रखना है। उसके बाद वेलोसिटी का ये रिलेशन पता होना चाहिए आपको, वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद हमने जब क्यू मैक्स की कंडीशन डेवलप की तो ये जो कंडीशन बनी थी के इज इक्वल टू के जे बाई टू एंड वी एक वेलोसिटी की इक्वेशन बनी थी, ये दोनों कंडीशन वेरी इंपॉर्टेंट। क्यू मैक्स निकालने का फॉर्मूला वेरी इंपॉर्टेंट, जिसका ये तीनों के बीच में कैसे कैसे रिलेशन डेवलप हुआ है इसको एक बार देख लेना, इस क्वेश्चन को देख लेना एक बार कैसे सॉल्व किया है। ये वाली अप्रोच जो अभी आपके सामने आ रही है, ये वाली अप्रोच पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन समझने के लिए मैंने आपको ये बताया। बट इस अप्रोच से सॉल्व करना जो मैंने ये किया शॉर्टकट, ये ज़्यादा अच्छा है और इजी है। फिर ग्रीनबर्ग्स की अजम्पशन किस पे बेस्ड है वो पता होना चाहिए, उनका फॉर्मूला फाइनल क्या बनता है वो ध्यान रखना। और एक और फॉर्मूला होता है एक्सपोनेंशियल रिलेशन, वहाँ पे वेलोसिटी का ये कुछ रिलेशन था। स्पेस हेडवे क्या चीज़ है उस पर ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट नोट कि एट द स्पीड इंक्रीजेस स्पेस हेडवे की वैल्यू भी इंक्रीज करती है। सिमिलरली टाइम हेडवे के बारे में भी ध्यान रखना है कि टाइम हेडवे कैसे निकालते हैं, टाइम हेडवे किस पे डिपेंड करता है, ये इसका कर्व कि फर्स्ट ये वैल्यू डिक्रीज करती है उसके बाद ये वैल्यू इंक्रीज करेगी, एंड ये दोनों चीज़ें टाइम हेडवे एंड स्पेस हेडवे पे डिपेंड करते हैं। आई होप ये समझ आया हो आपको। कोई भी डाउट हो इस टॉपिक के रिलेटेड तो आप ज़रूर बता देना इस चीज़ के लिए, हम फिर से डिस्कस कर लेंगे इस चीज़ को। एंड जो स्टूडेंट्स नोट्स बना रहे हैं वो तो ठीक है, अगर कोई नोट्स नहीं बना रहे तो ये जब ट्रैफिक कंप्लीट हो जाएगा पूरा का पूरा, ये जो जितने भी लेक्चर्स बनेंगे, आई थिंक 4 या 5 लेक्चर्स बनेंगे, इसके 2 लेक्चर हो रहे हैं अभी, तो उसको मैं एज ए पीडीएफ फॉर्म में आपको वो भी प्रोवाइड कर दूंगा इसी चैनल पे। जितने क्वेश्चन लगा सकते हो ट्रैफिक डेंसिटी के, जैसे क्यू इज इक्वल टू के वी बेस्ड क्वेश्चन वो लगाओ, डाउट जो भी आते हैं, क्वेरीज जो भी आती हैं डिस्कस करो, तभी आपको पता चलेगा। एंड जो डायरेक्टली लेक्चर, ये आज वाला लेक्चर देख रहा होगा उसने जो फर्स्ट एंड सेकंड लेक्चर नहीं देखा होगा उसके लिए टफ हो जाएगा, ये उसको समझ नहीं आएगा ये चीज़ें कैसे लिंक कर रहे हैं हम, इसलिए पहला लेक्चर देखो देन सेकंड देन थर्ड, तभी पूरा उसी सिस्टमेटिक वे में ये चीज़ें चल रही हैं। अब हमारे पास 2 टॉपिक्स रह गए हैं, एक सिग्नल्स के बारे में रह गया एंड कुछ बेसिक टर्म्स हैं छोटे मोटे, वो और डिस्कस करेंगे हम ट्रैफिक कैपेसिटी के बारे में। आई होप ये आज का लेक्चर आपको समझ आया हो। थैंक यू क्लास, वंस अगेन मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।